हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में टच साउंड कैसे ऑन करेंगे। तो फिर बहुत ही सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे आपको, देखना है फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो आप तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोन में सेटिंग, यहाँ पर आपको सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में स्पीकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोन में, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोन में सेटिंग। सेटिंग को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको साउंड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो साउंड का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, तो हमें साउंड पर क्लिक करेंगे। साउंड पर क्लिक करने के बाद में स्पीकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोन में एडिटनल सेटिंग, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको डायल पे नोटिस साउंड, टैप साउंड, प्ले साउंड, स्क्रीन शॉट साउंड, तो आपको यहाँ पर सारे साउंड देखने को मिल जाते हैं। तो आपको अपने फ़ोन में टच साउंड ऑन करना है तो आप इसे ऑन कर लेंगे। और भी साउंड ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी साउंड ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो स्पीकर आप अपने फ़ोन में टच साउंड ऑन करेंगे। मैं फ़ोन में टच साउंड के ऑन हो चुका है और यहाँ पर हमें जो भी साउंड हमारे ऑफ थे सारे ऑन कर रखे हैं। इस प्रकार अपने फ़ोन में कोई भी साउंड यहाँ से ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।